स्टूडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को। ये जो क्वेश्चन पेपर ये टर्म 2 के एग्जाम से पहले होने वाले प्री बोर्ड का है। ओके, इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस क्वेश्चन पेपर की खासियत यह है कि इसमें आप लोगों को हर एक सेक्शन को, यानी बोल सकते हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को अलग अलग करके दिया गया है। तो सबसे पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अनसेफ सेक्सुअल एक्ट कैन लीड टू वेरियस इन्फेक्शंस नेम टू बैक्टीरियल एंड टू वायरल इन्फेक्शंस कॉज ड्यू टू अनसेफ सेक्स। अनसेफ सेक्स करने से बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो आपको बताना है दो बैक्टीरियल एंड दो वायरल इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं अनसेफ सेक्स के चलते। ये सेक्शन ये बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे 40 होना चाहिए था। ओके, आगे है, सोहन ऑब्जर्व द पैच ऑफ ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। बोलते थे कि सोहन जो है वो क्या करता है, एक ब्रेड के स्टेल पीस पर ब्लैक पाउडरी मास को देखता है। आपको बताना है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है एंड वहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है रिप्रोडक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर फॉर्मेशन होगा इसका आंसर, सभी को पता होगा। और यहाँ पे आपको वेजिटेटिव पार्ट बताना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिन ट्यूब। आपको हमें पॉलिन ट्यूब का इंपॉर्टेंस लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और करके इसी में दिया गया, विच स्पीसीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल, द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली और द वन रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली। किस स्पीसीज के जिंदा बचने की चांस ज़्यादा होती है, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसके पीछे आपको रीजन देना है। क्वेश्चन 4 में कहा गया, इन अ फूड चेन स्टेट द ट्रॉफिक लेवल एट विच कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम, व्हाई इज इट सो। बोला जा रहा है कि आपको फूड चेन में बताना है किस स्टेट पर, किस ट्रॉफिक लेवल पर जो कंसंट्रेशन होता है हार्मफुल केमिकल का वो सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो लार्ज ट्रॉफिक लेवल या फिर टॉप कार्निवर का लेवल होता है वहाँ पर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं एंड टॉप कार्निवर उन्हें ही खाते हैं। ओके, जैसे जैसे फूड चेन आगे जाता है, टॉपिक लेवल आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो हार्मफुल केमिकल्स है वह एक्यूमुलेटेड होते जाते हैं एंड जैसे जैसे एक्यूमुलेट होते जाते हैं तो आप कार्निवोर जो है उन्हें ही खाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसी में और करके पूछा गया है, आपको 4 ट्रॉपिक लेवल का फूड चेन का एक एग्जांपल देना है जो कि ग्रासलैंड में एग्जिस्ट करता है एंड कौन जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा और कौन ज्यादा एनर्जी को रिसीव करेगा। अब सेक्शन बी देखिए, बायोलॉजी में दिया गया है, आपको बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है, बाकी आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को उतना डिवाइड करके नहीं दिया गया है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट डैमेज टू द ओजोन लेयर इज कॉज ऑफ कंसर्न। आपको पहले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि ओजोन लेयर को जो डैमेज हो रहा है वो एक चिंता का विषय है एंड उसको रोकने के लिए आपको 2 स्टेप्स बताने हैं कि कैसे इस प्रकार के डैमेज को आप रोक सकते हैं। तो पहला आप सभी जानते हैं CFC के चलते होता है, तो CFC का यूज़ तो बिल्कुल भी हम लोग बोल सकते ख़त्म तो नहीं किया सकता है, बट उसे कुछ हद तक हमें रोकने की प्रयास जरूर करनी चाहिए। यदि हम लोग CFC के यूज़ को रिड्यूस करेंगे तो इससे जरूर से जरूर ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो रुकेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 6 जो है ये आपके हेरिडिटी चैप्टर से आया है और यहाँ पे आपको F1 और F2 का जीनोटाइप बताना है, क्या रेशियो होगा वाई टू पर्पल फ्लावर का F2 जनरेशन में एंड आपको एक क्रॉस बना करके दिखाना होगा पेरेंट प्लांट के बीच में। यानी यहाँ पर पर्पल फ्लावर को आप लोग कैसे दिखाएंगे एंड वाइट फ्लावर को आप लोग कैसे दिखाएंगे आप जानते हैं। ओके, कौन डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट है वो कैपिटल एंड जो रेसिसिव है वो स्मॉल, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेक्शन सी में भी आप लोगों को हेरिडिटी वाले क्वेश्चन से पूछा गया है। ओके, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि F1 जनरेशन में कौन सा सेट ऑफ जीन प्रेजेंट होता है, क्यों सिर्फ F1 प्रोग्रेनिन में टॉल प्लांट्स ही देखने को मिलते हैं एंड यहां पे सी क्वेश्चन पूछा गया है, जब F1 प्लांट को सेल्फ पोलिनेट करवाया गया तो 800 प्लांट जो है प्रोड्यूस हुए, इनमें से कौन-कौन से प्लांट्स हैं, कितने प्लांट्स जो है वो टॉल होंगे, कितने मीडियम हाइट या फिर शॉर्ट होंगे, ये आपको बताना है। तो आप सभी रेशियो जानते ही हैं,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। ओके केमिस्ट्री के क्वेश्चन से पहले आपके आपको एक और करके दिया गया है जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर यूज्ड बाय मेंडेलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव जब अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उन्होंने कौन कौन से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को यूज किया था ओके अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए, और दो ऑब्जर्वेशन बताने हैं जो कि मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के लिए एक चैलेंज को पोज कर रहे थे। ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कैटिनेशन को डिफाइन कीजिए और कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है मैक्सिमम एक्सटेंट तक, और ऐसा वो क्यों कर पाता है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर कार्बन होगा, क्यों कर पाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। आगे आता है व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म, आप आइसोमेरिज्म से क्या समझते हैं, और आप लोगों को दो आइसोमर्स बताने थे स्ट्रक्चरल आइसोमर ब्यूटेन के। ओके और आपको ये बताना है कि क्यों एल्केन सीरीज के फर्स्ट 3 मेंबर्स का आइसोमर नहीं बन पाता है। और यहाँ पे देखिए और करके दिया गया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O कैन रिप्रेजेंट एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O है वो एल्डिहाइड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कीटोन को भी, तो उसके स्ट्रक्चर्स को लिखना और उसे नाम देना आप लोगों को। ओके बट नोमेनक्लेचर रिलेटेड है तो आप लोग इसे अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है दो मेंबर्स का जो कि होमोलेगुलर सीरीज में होते हैं ओके जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है C(O) होता है। अब यहाँ पे पीछे जो क्वेश्चन है वो एक बचा हुआ है केमिस्ट्री का, बाकी जो है वो फिजिक्स के होंगे, तो इसे पढ़िए आप लोग पहले। कंसीडर द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, आपको ये पार्ट दिया गया है पीरियोडिक टेबल का। आप लोगों को देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है द एटम ऑफ विच एलिमेंट इज स्मॉलर ई और आयरन, कौन सा एलिमेंट छोटा होगा, ई छोटा होगा फिर आयरन छोटा होगा। तो आप लोग उसे अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि देखिएगा किसमें ज़्यादा शेल्स है, तो जिसमें ज़्यादा शेल्स है वो बड़ा होंगे ओके, एंड जिसमें कम शेल्स है वो छोटे होंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वाई कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ऐसा क्यों होगा ये आपको बताना है। आप लोगों को जे एच के और आई को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, और उसके साथ साथ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप ये आपको बताना है। ओके अब देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं यहाँ पे, फिजिक्स के क्वेश्चन का आप लोग देखते जाइए। आप लोगों को एक रूल का नाम बताना है, उसे स्टेटमेंट उसका पूरा स्टेटमेंट लिखना है कि कौन सा रूल है जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को बताता है एक स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। ओके और यहाँ पे किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है डिस्टेंस के साथ एक बहुत ही लंबे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए आगे फिजिक्स के और भी क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में और दिया गया है ओके एंड दूसरे वाले क्वेश्चन में और नहीं दिया गया है। आप लोगों को सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बताना है, उसका पैटर्न बनाना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ओके, और किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है सेंटर में, क्वाइल के सेंटर में किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है यदि रेडियस को डबल कर दिया जाए और करंट को कॉन्स्टेंट रखा जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थर्ड में आपको क्या कहा गया है ओके इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है थोड़ा इजी है बट थोड़ा लंबा है, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड हो जाएगा इसके चलते। उसके बाद क्वेश्चन फोर देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है इक्विवेलेंट लेबर, आप लोगों को एक सर्किट बनाना है जो भी गिवन डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, रेजिस्टेंस का रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पे जो भी लॉ है उसे आप लोगों को स्टेट करना है इस केस में, और एक नेचर ऑफ ग्राफ भी दिखाना होगा आप लोगों को ओके। तो इसी के साथ हमारा साइंस का भी जो क्वेश्चन पेपर था प्री बोर्ड का वो कंप्लीट हो गया, और यदि आपने और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं प्री बोर्ड के तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के लिंक दिए गए हैं ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।